हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बिना टमाटर, बिना प्याज, बिना लहसुन के ऐसी 7 डेज की 7 रेसिपी जो आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो जैसे कि हर साल टमाटर और प्याज के रेट बहुत बढ़ जाते हैं और जो किचन का बजट बिगाड़ देते हैं, तो आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज लाई हूँ जिसमें ना टमाटर, ना प्याज, ना लहसुन डलेगा। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे भिंडी आलू। तो इसके लिए मैंने ये लिए हैं आलू, 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को छिलकर मैंने इस तरह से काट लिया था। साथ में मैंने लिए है ये है भिंडी। अब हम क्या करेंगे कि ये कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, तो सरसों के तेल जो होता है उसको थोड़ा सा कलर चेंज होना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, पहले गैस को हम ऑफ कर देंगे और उसके बाद ही हम इसमें भिंडी डालेंगे, वरना क्या होगा, एकदम धुआंधार अगर तेल में आप भिंडी डालेंगे तो वो जल जाएगी, इस बात का खास ध्यान रखें। अब दोबारा से गैस ऑन करेंगे और इसमें थोड़ा सी हम डाल देंगे हल्दी। तो हल्दी से इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। हल्के से ही हमें इसको सौते करना है, ज़्यादा एकदम से फ्राई नहीं करना है। और उसके बाद हम सारी ही भिंडियों को क्या करेंगे कि निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो सरसों के तेल की जगह आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम क्या करेंगे कि उसी ऑयल में सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून डालें क्यूमन सीड्स जीरा, 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स रायदाना, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स को मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आलूओं को डाला है मैंने। अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 मिनट इसको ढककर पका लेंगे। अभी देखिए मैं देख रही हूँ इसको, 4 से 5 मिनट बाद जो है हमारे आलू जो है फ्राई भी हो गए हैं और अभी कम से कम ये 80% कुक हुए हैं। तो फ्राई की हुई हम भिंडी डाल देंगे, भिंडी भी थोड़ी सॉफ्ट है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी कलर, साथ में थोड़ी सी मैं हरी मिर्च डाल दूंगी। ऊपर से डाल देंगे हम ये है गरम मसाला। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद अब 5 मिनट कम से कम हम और कुक कर लेंगे। तो अब जो है हमारी भिंडी और हमारे जो आलू हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। तो मैं ये नींबू का रस डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो जो ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर पाउडर होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो टमाटर की जगह इसमें हम नींबू का रस डालेंगे और ये भिंडी हमारी जो है बनकर तैयार हो गई है। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आता है और जो हमने कोरिएंडर सीड्स धनिया को थोड़ा सा क्रश करके डाला है तो उससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। तो इस तरह से बिना टमाटर, बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना अदरक के ही बहुत बढ़िया सी हमारी ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए दूसरी सब्जी बना लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे पत्ता गोभी और साथ में आलू। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि 1/2 केजी के करीब ले लिया है कैबेज और उसको मैंने धोकर इस तरह से कट कर लिया है। साथ में ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को छिलके उतार के इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसमें लेंगे ये है सूखी खटाई। तो ड्राई मैंगो का जो ये स्लाइस होती है ये किराना की शॉप पर आसानी से मिल जाती है, तो टमाटर की जगह आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसको हमें क्या करना है, 10 मिनट के लिए पानी में भिगो देना होता है जिससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इससे आप कड़ी या सब्जी कुछ भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले कढ़ाई में मैंने तेल में 1/2 टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा और ये साथ में ग्रीन चिली डाल दी है और साथ में डालेंगे जिंजर। तो हरी मिर्च और अदरक को अच्छे से हम सौते करेंगे, ये डाल देंगे ड्राई रेड चिली और इसी के साथ हम डाल देंगे हमारी पत्ता गोभी। तो इसको डालने के बाद हम थोड़ी देर क्या करेंगे, इसको बिना आलू के ही फ्राई करेंगे। बहुत बढ़िया सी ये पत्ता गोभी की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी और इसको इस तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी देर लीड लगा देंगे। तो कम से कम हमें 5 मिनट तक इसको अच्छे से इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है। और आप देख रहे होंगे कि पहले पूरी कढ़ाई में पत्ता गोभी ऊपर तक फुल थी और अब कितनी कम हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें हमारे आलू। तो आलू को इस तरह से हम डालने के बाद घर के बेसिक मसाले, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी
चिली कलर और हाफ टेबल स्पून डालेंगे किचन किंग मसाला। सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे मसाले जब हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि आलू जो है उसको हमने फ्राई तो किया नहीं है तो उसको सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम एक कप के करीब पानी डाल देंगे और लीड लगा कर ढक देंगे। 5 मिनट तक हम इसको कुक करके देखेंगे कि ये हमारे जो आलू हैं पत्ता गोभी सॉफ्ट हुई या नहीं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये एक आलू ले लिया है और उसके बाद हम फोक से इसको देख रहे हैं। तो अभी आलू हमारे थोड़े से कच्चे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से इस पर लीड लगाएंगे और 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे। आप चाहें तो, मैंने आलू का यूज़ किया है इसमें, आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, मटर से भी बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम इसमें डालेंगे सूखी आम की खटाई, जिसको मैंने पानी में भिगो कर रखा था। छोटे छोटे पीसीस में मैंने इसको कट कर लिया है और उसके बाद मैंने इस सब्जी में मिक्स किया है। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हम इसमें कुक करेंगे और उसके बाद बहुत बढ़िया सा टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो ना तो टमाटर की ज़रूरत है और ना खटाई की, लेकिन ये है कि अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप खटाई का यूज़ कर सकते हैं। पत्ता गोभी और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे हमारी दाल। तो आज हम बनाएंगे तूर दाल और कैरी, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये तूर दाल को पानी में भिगोकर रख दिया था, आधा घंटा हो गया है। 3 पानी से इसको हम बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसी के साथ हम टमाटर या अमचूर पाउडर कुछ नहीं डाल रहे हैं, नींबू का रस। तो मैंने ये एक कैरी ले ली है और आजकल जो है मार्केट में कैरी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुकर ले लेंगे और उसके बाद जो तूर दाल है हमारी उसको हम 3 पानी से वॉश करके कुकर में डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे 1 गिलास के करीब इसमें पानी, तो एकदम से दाल ज़्यादा पतली नहीं बनानी है। और उसके बाद हम जो कैरी मैंने आपको दिखाई थी, उस कैरी के छिलके रिमूव करके मैंने वॉश किया, इस तरह लंबा लंबा डाल दिया है। 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी और 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक डालेंगे। और अब कुकर को रख देते हैं गैस पर और इसमें हम 1 विसिल लगा लेंगे और 1 विसिल आने के बाद हम चेक करेंगे। तो अगर आपकी दाल नहीं सॉफ्ट हुई होगी तो आप इसमें 1 विसिल और लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, कैरी भी बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो ये तूर दाल और कैरी दोनों ही हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब बनाएंगे तड़का। तो गैस पर मैंने ये तड़का पैन रखा है, इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, साथ में थोड़ा सा हम घी डालेंगे। तो इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून एसाफटेडा हींग, 2 ड्राई चिली, रेड चिली लाल मिर्च, थोड़ी सी करी लीव्स, करी पत्ता डालेंगे, ग्रीन चिली, हरी मिर्च डाल देंगे। तो हरी मिर्च आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा क्यूमन सीड, जीरा डाल देंगे और इसी के साथ इसको अच्छे से हम इस तरह से हिलाते हुए सारी ही चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मिर्ची वगैरह सब फ्राई हो गई है। अब हम चलते हैं दाल की तरफ और एक बढ़िया सा तड़का हमने दाल में दे दिया है। ऊपर से हम डाल देंगे कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, ये तूर दाल जो है कैरी में बहुत ही बढ़िया बनती है और इसके साथ अगर थोड़ा सा हमें राइस मिल जाए, साथ में पापड़ मिल जाए और थोड़ा सा सैलेड, तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। बहुत बढ़िया सी ये हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। ना तो हमें इसमें कैरी अमचूर की ज़रूरत पड़ी है, ना नींबू की ज़रूरत पड़ी है, ना टमाटर की। तो आप इसको कब बना रहे हो मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमारी कैरी और तूर दाल बनकर तैयार हो गई है और मैं इसको राइस के साथ जो है पापड़ के साथ सर्व कर रही हूँ। अब बनाएंगे हम नेक्स्ट सब्जी। तो ये हम बना रहे हैं कद्दू की सब्जी। तो इसके लिए मैंने ये हरा वाला जो पम्पकिन होता है वो लिया है और इसी के साथ ग्रीन चिली, साथ में जिंजर अदरक ले ली है। अब सबसे पहले हम इसमें कट लगाएंगे और इसके जो भी अंदर के सीड्स वगैरह हैं वो सारे ही हम रिमूव कर देंगे। तो मैं तो जैसे इसके जो छिलके हैं, मेरा छिलका सॉफ्ट है तो मैं इसको छिलके सहित बना रही हूँ, लेकिन अगर आपके यहाँ पर छिलके पसंद नहीं करते हैं तो आप छिलकों को रिमूव कर सकते हैं। पीछे से आप हल्का सा इसको जब दबाकर देखेंगे तो अगर आपका छिलका सॉफ्ट है तो भी आप छिलका लें, वरना आप क्या करें कि छिलकों को रिमूव कर दें। इस तरह से मैंने सबको काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके साथ मेरे पास जो थी ग्रीन चिली और जिंजर, अदरक और हरी मिर्च को भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से आप इसको कट करें। उसके बाद हम बनाएंगे एक बढ़िया सा पंचफूरन मसाला। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है, ये है हमारे पास अनियन सीड्स कलौंजी और इसी के साथ हम लेंगे
रेड चिली जो होती है ड्राई वाली, ये क्यूमन सीड्स जीरा है, साथ में ही फिनल सीड्स सौंफ है, इसी के साथ मस्टर्ड सीड्स जो होती है ये राई दाना है, साथ में ये है हमारे पास फेनुग्रीक सीड्स जिसे मेथी दाना कहते हैं, और थोड़ा सा हम लेंगे ऐसा फटेड़ा हींग। तो ये पंचपूर्ण मसाला हमारा होता है, बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल में सबसे पहले मैंने ये हींग डाल दी है, और इसी के साथ जो भी मसाला मैंने आपको दिखाया था वो सारा डाल दिया है। एक बात का खास ध्यान रखें कि मसाले हमारा जल ना जाए, तो तेल को गर्म करने के बाद पहले गैस को आपको ऑफ करना है और फिर सारे मसाले डालें, वरना क्या होगा, मसालों का अच्छा टेस्ट तो आएगा नहीं, ऊपर से सारे मसाले जल जाएंगे तो वो बहुत बेकार लगेगा। तेल को गर्म करें और उसके बाद गैस को बंद करके ही ये मसाले डालें। अब जब हम इसमें ये पंपकिन डाल देंगे कद्दू, तो उसके बाद हमें गैस को ऑन करना है। बस इस चीज़ का खास ध्यान रखें, मसालों का जो टेस्ट है वो सब्जी में आना चाहिए। तो अब इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, ऑयल के साथ पंपकिन को इस तरह से कुक कर लेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे जो हमारे घर के बेसिक मसाले होते हैं। बीच में थोड़ी सी जगह बनाइए, और क्या करेंगे कि इसमें हम हरी मिर्च और जो हमारा अदरक था उसको हम डाल लेंगे। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अदरक का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आता। अब 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको बहुत अच्छे से कुक करेंगे। जो हमारा ये सीताफल है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। लीड लगा देते हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में, और पानी का यूज़ मैंने बिल्कुल नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि कद्दू आपका जो है नीचे से जल ना जाए, तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा जो कद्दू है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई है। पर अभी इसमें कुछ मसाला बाकी है, तो अब हम डालेंगे इसमें, यह है जैगरी पाउडर जिसको कहते हैं गुड़, तो इसको क्रश करके डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून ड्राई मैंगो का पाउडर, अमचूर पाउडर है। तो ये हमारा खट्टा मीठा तीखा कद्दू बनकर तैयार हो गया है। जब तक गुड़ हमारा मेल्ट ना हो तब तक हमें इसको कुक करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरह इसको हम मिक्स करेंगे। ये जो सब्जी होती है पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो आपको इन सब में से कौन सी सब्जी अच्छी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से ही मैं आगे आपको इसी तरह की और रेसिपीज़ दे पाऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। तो इस तरह मैंने क्या किया है, आटे की पूरी बना ली है, और उसके साथ मैंने इस सब्जी को सर्व किया है। आप इसको चपाती से, पराठे से, राइस से, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे हमारी नेक्स्ट सब्जी। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे हमारी पालक वाली दाल। तो इसके लिए 1 बंच के करीब मैंने पालक ले लिया है, साफ़ करके मैंने उसको कट किया है, अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। इसी के साथ ये तूर दाल ली है, और जो काला उड़द की दाल होती है, टूटी हुई काला उड़द मिलती है, उन दोनों को मैंने अच्छे से 3 पानी से वॉश कर लिया है। तो ये 2 दाल आप ध्यान से देखें, इन्हीं का यूज़ करें। अब हम लेंगे कुकर, और कुकर में सबसे पहले हम डाल देंगे हमारा वॉश किया हुआ पालक। तो ये जो दाल होती है बहुत बढ़िया बनती है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, राइस के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगेगी। अब वॉश करके जो तूर दाल और उड़द दाल है हमारी, उसको हम डाल देंगे, और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें पानी। तो दाल थोड़ी फूलती है, तो कम से कम 1 गिलास से 1.25 गिलास के करीब हमें पानी डालना है। ज़्यादा मसाले इसमें बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, सिर्फ 2 ही मसाले पड़ेंगे। तो अच्छे से पहले इसको हम मिक्स करेंगे कि पानी में थोड़ी दाल और पालक हमारा नीचे हो जाए। उसके बाद 1 टेबल स्पून डाल देंगे सॉल्ट नमक, और 1 से 2 टेबल स्पून हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, क्योंकि दाल और पालक थोड़ा ज़्यादा है तो मिर्च की क्वांटिटी में बढ़ा रही हूँ। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और अब हम कुकर की लीड लगा देते हैं, और कम से कम 2 विसिल हम लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करके देखेंगे कि हमारी जो दाल है सॉफ्ट हुई या नहीं हुई। अगर दाल में थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि हल्का सा कच्चा है, तो क्या करें, ढक्कन को सिर्फ हाफ में ही रखकर इसको कम धीमी सी फ्लेम पर इसको आप कुक कर सकते हैं, सीटी लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरी दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे तड़का। सबसे पहले मैं कढ़ाई रख दूंगी, और कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। साथ में डालेंगे हम ग्रीन चिली, हरी मिर्च, करी लीव्स, करी पत्ता, साथ में ड्राई जो रेड चिली होती है उसको डाल देंगे। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें क्यूमन सीड्स जीरा,
तो जीरा मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें हींग का यूज़ कर सकते हैं और या फिर अदरक डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब हम डाल देंगे इसमें हमारी तैयार दाल। तो इस तरह से बहुत बढ़िया सी ये हमारी पालक वाली दाल बनकर तैयार हो जाती है और मेरे यहाँ इस दाल को बहुत पसंद किया जाता है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। राइस के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है, बस साथ में थोड़ा सा अगर अचार मिल जाए और या फिर थोड़ा सा मूली का सैलेड मिल जाए और थोड़ा सा पापड़ मिल जाए, तो फिर तो दाल चावल खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो इस तरह से ये हमारी पालक वाली दाल बनकर तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको सर्व करेंगे। तो आप भी जब टमाटर महंगे हो जाते हैं, प्याज महंगा हो जाता है, तो किस तरह से अपने यहाँ पर खाना बनाते हैं, कौन कौन सी रेसिपी बनाते हैं, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये दाल हमारी तैयार है, अब हम बनाएंगे हमारी नेक्स्ट वाली रेसिपी। तो अब हम बनाएंगे बेसन मिर्ची फ्राई। तो ये जो होती है बेसन वाली मिर्च, एक हफ्ता आराम से रखकर आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी मिर्ची जो आती है मार्केट में उसको ले लें, उसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कट लगाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा तीखा बिल्कुल पसंद नहीं करते तो इसके अंदर जो सीड्स हैं आप निकाल सकते हैं। वैसे जो ये मिर्ची होती है ये बहुत फीकी होती है, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी तीखा पसंद नहीं है तो आप इसके सीड्स को निकाल दें। तो इस तरह से इसको अच्छे से वॉश करके हमें कट लगाना है और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तवे पे डाल देते हैं इस तरह से थोड़ा सा ऑयल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो बेसन है उसको हम फ्राई करेंगे। बेसन के साथ कुछ मसालों को ही हम मिक्स करके भरवा मिर्ची बनाएंगे और ये मिर्ची इतनी अच्छी लगती है कि चाहे तो आप इसको खाली पराठे से खा लें और चाहे तो आप इसको जो दाल मैंने बनाई है उसके साथ राइस के साथ खा लें। एक हफ्ते से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके आप इसको रखेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब ये बेसन फ्राई हो गया है, अब हम डालेंगे मसाले। 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे जीरे का पाउडर क्यूमन सीड्स पाउडर, 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे सौंफ का पाउडर फिनल सीड्स पाउडर, ड्राई मैंगो का पाउडर हम डालेंगे ज़्यादा सा, ये है हमारा अमचूर, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें थोड़ा पिसा हुआ धनिया। तो पिसा हुआ धनिया जो होता है कोरिएंडर पाउडर, साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हींग ऐसा फटेडा और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट काला नमक। तो इसको सबको हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है और साथ में हम ऊपर से 2-3 चम्मच ऑयल डाल देंगे, क्योंकि मसाला आपस में जब चिपकेगा तभी ही मिर्च के अंदर अच्छे से फीलिंग जाएगी और उसके बाद फ्राई करते टाइम निकलेगा तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने मिर्ची ले ली है और एक एक करके सारी ही मिर्ची में आप इस तरह से मसाले को भरिए, एकदम ज़्यादा भी नहीं भरना है और एकदम कम भी नहीं भरना है। तो ये जो मिर्ची फ्राई होती है, हर साल ये बारिश के मौसम में मिर्ची आनी शुरू हो जाती है और कभी तो हम इसका अचार डालते हैं, कभी कई बार राजस्थानी मिर्ची के टपोरे बनते हैं वो बनाते हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ इसको पंचपूरण मसाला जो होता है अचार का मसाला, उसमें भी फीलिंग भर के रख देते हैं और आज हम बना रहे हैं बेसन वाली मिर्ची। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सारी ही मिर्चियों को मैंने फीलिंग भर दी है और ये बहुत बढ़िया सी मिर्ची हमारी तैयार हो गई है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बनकर बहुत अच्छे से ही तैयार हो जाती है। थोड़ा सा मसाला मैंने रोक लिया है, इसको हम जब फ्राई करेंगे तब डालेंगे बिल्कुल लास्ट में। अब हम रखते हैं गैस पर कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और साथ में डालेंगे ऐसा फटेड़ा थोड़ी सी हींग, इसी के साथ हम डाल देंगे फिनल सीड्स सौंफ, ये मस्टर्ड सीड्स हैं राई, साथ में है ये हमारे पास कलौंजी अनियन सीड्स, और इसी में हम डाल देंगे हमारी मिर्ची। मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको कुक करना है, एकदम से इसका कलर ब्लैक हमें बिल्कुल नहीं करना है, वरना क्या होगा, मिर्ची सारी जल जाएगी और वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। मीडियम फ्लेम पर हल्के हल्के बिना ऊपर से लीड लगाए हमें इसको कुक करना है। आप देख रहे होंगे कि मिर्चियों का कलर बहुत जल्दी जो है चेंज हो गया है। तो मिर्ची तो आप वैसे भी सैलेड में खाते ही होंगे और ये मिर्ची तो बिल्कुल फीकी होती है। तो इस तरह से ये देखिए 5 से 7 मिनट मुझे लगे हैं मीडियम फ्लेम पर, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए मसाले को इसमें इस तरह से डाल देंगे।
अब अच्छे से ऊपर नीचे करके इसको मिक्स करेंगे। बेसन तो हमारा जो है वो हमने भून ही रखा है, बाकी जो मसाले हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगे और आप देखेंगे कि कितनी बढ़िया सी ये बेसनी मिर्च हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये जो मिर्ची होती है जब आप इसको पराठे से खाएंगे या पूड़ी से खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से डालेंगे हम लेमन जूस, तो चाहे तो आप लेमन जूस डाल दें और नहीं तो अमचूर पाउडर तो हमने डाला है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी आप और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से नींबू का जो रस है, मैं एक नींबू डाल रही हूँ, आप जितना खट्टा पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूर है। तो ये बहुत बढ़िया सी हमारी मिर्ची बनकर तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी है और आप इसको कब बना रहे हो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से जब भी गर्मियों के सीज़न में मिर्ची आती है तो आप इसको बनाकर रख लें और एक हफ्ते से 15 दिन तक आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करके आप आराम से इसको खाइए, सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप इसको ले जा सकते हैं, साइड डिश के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे हमारी नेक्स्ट वाली रेसिपी। तो ये हम बनाएंगे हमारी आलू की सब्जी, बिना टमाटर, बिना प्याज, बिना लहसुन के। तो सबसे पहले मैंने बॉयल किए हुए आलू ले लिए हैं, तो ये मैंने आलूओं को उबाल कर उसके सारे जो छिलके होते हैं उसको मैंने हटा दिया है। इसी के साथ हम लेंगे दही, तो आज हम इसको दही से बना रहे हैं। इसी के साथ हम लेंगे यह है हरी मिर्च, साथ में करी लीव्स, ये है अदरक और साथ में ये सूखी हुई लाल मिर्चें हैं। तो इन सबको मैंने वॉश करके कट कर लिया था। अब कढ़ाई में सबसे पहले हम डाल देंगे हमारी क्यूमन सीड्स जीरा, साथ में ऐसा फटेड़ा हींग। फिर उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिली, हरी मिर्च, साथ में हम डाल देंगे जिंजर, अदरक, करी लीव्स डाल देंगे, करी पत्ता, साथ में ड्राई रेड चिली, सूखी लाल मिर्चें डालेंगे। अच्छे से सबको हम ऑयल में सौते कर लेंगे, थोड़ा सा अदरक का कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। अब हम डालेंगे सबसे पहले हमारे बॉयल आलू। तो इस तरह से सारे ही आलूओं को हमें तेल में क्या करना है, अच्छे से कुक करना है। तो इसको कहते हैं बटाटा रस्सा भाजी, जो कि महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है और बहुत पसंद करी जाती है। इस तरह से अब हम डालेंगे मसाले, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी कलर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर हल्दी, और इसी के साथ हम डालेंगे अब पानी। और पानी के साथ ही सारे मसालों को आलू के साथ अच्छे से हमें कुक करना है। अब ये मसाले भुन गए हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्रेवी बनाएंगे। तो ये जो होती है सब्जी, इसको राइस के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे तो आप आटा की पूरी बना सकते हैं, किसी के साथ भी ये बहुत खाने में टेस्टी लगती है। इस तरह से अब हम दही जो है वो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो इस तरह से अब ये मेरे पास दही है, तो मैं दही का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम सारी ही दही को इसमें डाल देंगे, चाहे तो आप गैस बंद कर दें, मैंने भी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और हल्का सा क्या करेंगे, इसको कुक कर लेंगे। तो ये हमारी रस्सा बटाटा भाजी जो है बनकर तैयार हो गई है, वो भी बिना टमाटर, बिना प्याज, बिना लहसुन के। तो इस तरह से 7 डेज़ की 7 रेसिपीज मैंने आपको दे दी है। आपको कौन सी पसंद आई है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अगर इसी तरह की और रेसिपीज चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। ये मैंने गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया है। तो इस तरह से अब हम इसको सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं फिर से मिलूँगी आपसे इसी तरह की बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ।